स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे उत्तराखंड की खबरों पर। धनौरी में स्थित पंजाब नेशनल बैंक पर कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि हमारे क्षेत्र में एक ही बैंक होने की वजह से काफी भीड़ इकट्ठा होती रहती है और बैंक से अगर 500 रुपए भी निकालने हों तो लाइन में कम से कम 3 से 4 घंटे धूप में पहले खड़ा रहना पड़ता है और अगर बीमार व्यक्ति को दवाई लेने के लिए पैसे निकालने हों तो उसे भी बैंक में 3-4 घंटे लग जाते हैं, चाहे उस व्यक्ति की जान ही क्यों ना चली जाए। बैंक कर्मचारियों को बार बार सूचित कराने के बावजूद भी बैंक कर्मचारी कोई सुध नहीं ले रहे हैं। जो एक किसान बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये पेंशन निकालने के लिए आए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रोज का ये है। अभी देखो आप, टाइम 10 बज चुके हैं, कोई भी कर्मचारी नहीं आया यहाँ पे, और ये अगर किसी को 500 रुपये निकालने, 1000 निकालने हैं तो पूरा दिन यहीं पर लगेगा। ये बुजुर्ग आदमी ये कैसे बैठ पाएंगे यहाँ पे, होना कोई व्यवस्था है, कर्मचारी नहीं है यहाँ पे। 2 कर्मचारी है पूरे बैंक में, कम से कम 50-60 बैंक लगे हुए हैं, और यहाँ पे दलाल आएंगे और वो अंदर घुस जाएंगे डायरेक्ट, उनको कोई मना नहीं करता है यहाँ पे। ग्राम रोशनाबाद में आपसी विवाद को लेकर मामला इतना बढ़ गया कि आपस में लाठी और डंडे चल पड़े। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इस झगड़े की सूचना पुलिस को दी गई, जिससे मौके पर स्थानीय पुलिस भी पहुंच गई। ग्राम रोशनाबाद में हुए झगड़े में दोनों पक्षों में दर्जनों से ज्यादा लोग आपस में भिड़ रहे थे। देखते ही देखते झगड़ा हाथापाई तक पहुंच गया था, लेकिन तभी सूचना पर पहुंची सिडकुल पुलिस के द्वारा मामले को शांत करवाया गया। झगड़ा कर रहे मुख्य लोगों को थाना सिडकुल बुलवाया गया। बता दें झगड़े के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन अगर पुलिस समय से नहीं पहुंचती तो इस झगड़े में कई लोग घायल होने की कई लोगों की संभावना थी, क्योंकि झगड़ा जिस तरह से चल रहा था कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। धर्मनगरी हरिद्वार के कनखल थाना क्षेत्र स्थित हरिराम आर्य इंटर कॉलेज के पास खड़ी यात्री बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बस में आग लगने की सूचना पर तत्काल मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि बस में आग लगने के समय बस में कोई भी यात्री नहीं था। हालांकि आग लगने के कारण बड़ा हादसा होने से बच गया। वहीं मौजूद लोगों के अनुसार बस को जब स्टार्ट किया जा रहा था उस समय शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बस में आग लगी थी। लालकुआ अंतर्गत बिंदु खत्ता क्षेत्र के इंद्रनगर द्वितीय में विधायक निधि से बनी सीसी रोड का निर्माण कराया गया, जिसका उद्घाटन आज क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने किया। इधर विधायक नवीन दुमका ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं, साथ ही विकास कार्यों के लिए मैं धनराशि की कमी नहीं होने दूंगा और आने वाले दिनों में विधानसभा क्षेत्र के सभी क्षेत्रों की सड़कों को पक्का कराया जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों को मुख्य से भी जल्द जोड़ा जाएगा, इसीलिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। ये इंद्रनगर क्षेत्र है, छोटी छोटी बस्तियों के बीच में सीसी मार्ग बनाने का कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है थोड़े दिन पहले, ये निरंतर चलता रहेगा। आज जो है उत्तराखंड सरकार का आयुष विभाग, उसने भी आज से कीड़े मारना शुरू कर दिया है, जो छोटे छोटे स्थानों पर जाकर के उनको बांटेगा। सरकार की मंशा एक तो लोगों का मनोबल इस कोविड पीरियड में बनाए रखने की है, दूसरा उनको सुरक्षित और उनको संरक्षित करने की भी है। इसी क्रम में चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे सीसी रोड की व्यवस्था हो, चाहे आयुष किट देने की व्यवस्था हो, ये बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं और हमारे कार्यक्रम रोज ही चलते हैं। लालकुआ कोतवाली निकटवर्ती क्षेत्र मोटा हल्दू में हुए कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग का वीडियो सही पाए जाने के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर शस्त्र लाइसेंसी निरस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि बीते 29 मई को कोतवाली क्षेत्र के मोटा हल्दू के ग्राम प्रधान सीमा पाठक के आवास पर शादी की सालगिरह का कार्यक्रम था। इसके बाद उक्त कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हुए पार्टी में डांस कर रहे थे। साथ ही दो लोग बंदूक और राइफल से हर्ष फायरिंग कर रहे थे, जिसके बाद कोतवाली लालकुआ पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की गई तो जांच के दौरान पाया गया कि मोटा हल्दू क्षेत्र में 29 मई की रात को
कमलकांत पाठक और उनके परिवार और अन्य संबंधियों द्वारा बिना अनुमति के एक पार्टी समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कोरोना महामारी के चलते राज्य सरकार की गाइडलाइनों और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया गया। साथ ही पार्टी के दौरान मौजूदा लोग बिना मास्क के थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं किया जा रहा था। पार्टी में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते पाए जाने पर 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही फायरिंग करने वाले कमलकांत पाठक और उनके पुत्र राहुल पाठक द्वारा उनकी लाइसेंसी शस्त्र द्वारा हर्ष फायर करते हुए दिखाई दिए जाने पर पुलिस ने कमलकांत पाठक के विरुद्ध धारा 30 शस्त्र अधिनियम और हर्ष फायर करने वाले राहुल पाठक के विरुद्ध धारा 27 शस्त्र अधिनियम मुकदमा दर्ज कर दोनों बंदूक और राइफलों को कब्जे में ले लिया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।